हेलो, नमस्कार। जिस पल का आप सभी को इंतजार था, वो पल आ चुका है। बिग बॉस के इस सफर में ये दिखता है कि खेलने वाला, खिलाने वाला और देखने वाला, इन सभी ने काफी दिलचस्पी दिखाई। ये एक बड़ा सा घर है और यहाँ आकर बस गए कुछ सदस्य जिन पर नजर है हमारे बिग बॉस की। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस घर में बहुत सी बातें पहली बार हुई है, जैसे दूर दूर रहने वाला भी एक साथ मिलकर इस खेल का हिस्सा बना। एक दिलचस्प बात ये भी हुई है, खेलने वाला खेलना तो चाहता है पर खेल में रहना नहीं चाहता। तो कहीं पर घर के हर सदस्य ने जी जान से अपना योगदान दिया है। पहली बार छह छह लोग एक बंधन में बंध कर इस खेल का हिस्सा बने, लेकिन ये बंधन सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा, वो इस लॉकडाउन का एक यादगार पल साबित हुआ। तो आइए देखते हैं इस यादगार पल के कुछ पल। बिग बॉस के सीजन में मैं सभी सदस्यों का नितिन बगड़िया क्वारंटाइन टीम से स्वागत करता हूं। पर मेरा अंदाज फिर भी है निराला, क्योंकि क्यों हवा निकल गई ढोंडू, तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो 300 सीढ़ी चढ़ते पहुंच जाए। 300? अरे 100 में तो जन्नत का स्टॉप आ जाएगी। अरे क्या हुई, कहाँ गई है कॉमन मैन की पावर? मीना मप, कितने लोग बीमार पड़े रे सांबा इंडिया में? पूरे 90,000 सदा। और कितने लोग मरे? अच्छा तेरे को कुटला का वगैरह नहीं, तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। थांगा बाली कितने भरा दे नाचो राव बैंडा। अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो दूंगा। ए, चोरी वोरी नहीं, वरना पुलिस में डाल दूंगी तुझे। अच्छे से काम करेगा ना तो 20 रुपए दूंगी मैं तुझे दिन। हेलो, नाम है मेरा नकुल, रहता हूँ मैं सुपर कूल, सुनता रहता हूँ मैं लॉट्स ऑफ म्यूजिक टू फाइट अगेंस्ट दिस पैंडेमिक। मेरे को इलेक्ट्रिक कोई लेने दे रही है, मैं एक सिंपल ड्राइवर है, मेरे छोटे छोटे बीवी लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, अगर मैं हो जाएंगे गलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा। एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा। थारे जैसा न कोई जग घूमे, थारे जैसा न कोई। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। अरे कैसा मारेगा लात तीसको रे बाबा? अबे 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20 लाख दे। आपकी शादी हुई है? हाँ हुई है। आपकी बीवी कैसी है? अच्छी है, इसीलिए तो शादी की है। घर में बच्चे हैं? नहीं है। घर में टीवी है? हाँ है। चलता है? Of this corona and quarantine. You heard that Mrs. Mishra? Oh my God, she is playing online poker. Iqrar hua hai
प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है। सैनिटाइजर से हाथ साफ करोगे, भगेगा कोरोना। मैं बस आपसे यही निवेदन करूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसी रूल्स पर चलिए, उसी राह पर चलिए, क्वारंटाइन रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी हम कुछ खेल खेलते हैं तो हर खेल में हार जीत तो निश्चित होती है। इस खेल की अनोखी बात यह है कि इस खेल में जीतने वाला भी अपना है और हारने वाला भी अपना है। आप लोगों ने जो विश्वास इस खेल में हिस्सा लेकर दिखाया है, आशा है वही विश्वास इसके रिजल्ट तक बनाए रखेंगे। इस रिजल्ट तक आने के लिए हमने कई तरीके अपनाए, जैसे वोटिंग, हमने बगड़िया परिवार से वोट्स मंगाए, बगड़िया के बड़ों से वोट्स मंगाए और टीम सदस्यों से वोट मंगाए, और कुछ तरीके अपनाए जैसे कुछ क्राइटेरिया रखे, क्रिएटिविटी, एडिटिंग, कॉस्ट्यूम्स इत्यादि, और इन सब का गहन अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो निर्णय लिया है वो आप सभी को पसंद आएगा। तो अब शुरू होता है बिग बॉस फिनाले का ये खेल। तो ये रही धमाकेदार एंट्री हमारे आयोजकों की। अब देखते हैं हमारे बिग बॉस क्या बोलते हैं। इस सीजन का विजेता तो यकीनन कोई एक ही होगा, लेकिन ये वक्त ये सोचने और चिंता करने का नहीं है कि वो एक, बल्कि ये वक्त है सीजन के फाइनलिस्ट बनने की अपनी इस उपलब्धि का जश्न मनाने का। इसके लिए बिग बॉस आप सबसे कहना चाहते हैं कि Why not raise a toast? आज जब आप अपने जीवन के एक इतने महत्वपूर्ण और अहम पड़ाव पर खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके परिजन आपकी सफलता के लिए जरूर दुआएं मांग रहे होंगे और आपको शुभकामनाएं भी देना चाह रहे होंगे। आइए अब देखते हैं आपके परिजनों ने आपके लिए क्या संदेश भेजे। हुआ है उसमें लॉकडाउन के चलते हुए अपने लोगों को मोबाइल पर वीडियो में देख के खुशी हो रही है। हेलो, मैं शकुंतला बगड़िया आप सबकी को बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने बिग बॉस करके सब परिवार को एकत्र एक में लाए, जिससे बरसों मुलाकात होती नहीं थी वो लोग भी सब मिले, और आपने अपना हर एक तरह का हुनर बता के हाथपोट लोटपोट कर दिए। श्री कृष्णा, बगड़िया बिग बॉस के ऑर्गेनाइजर मनीषा चंचू और हमारी बहुरानी लेखा, इन्होंने बहुत बढ़िया इस बिग बॉस का निर्माण किया है, बहुत ही सराहनीय है, और सब पूरी टीम को आशीर्वाद है मेरा। और इसमें जो कलाकार है वो एक से एक बढ़ के, यानी किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकते, ऐसा अतुलनीय अभिनय सबने किया है, हर एक ने, तो यह बहुत ही सराहनीय है।
मैं चाहता हूँ कि ऐसा ये इसे यादगार के रूप में एक इसमें बढ़िया सी मूवी बनना चाहिए। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। बिग बॉस का जो आयोजन बल्दिया परिवार को किया गया है बेटियों ने बहुत अच्छा किया है, इसलिए पूरा परिवार एकत्र हुआ है और सबने बिल्कुल के जो अपने कलाकार ही दिखाई है ये मैं देखने लायक है। मैं तो मोबाइल चला नहीं सकता, मैं देख के ही मैं इतना खुश हुआ हूँ कि मेरा परिवार सब एकत्रित दूर दूर एकत्रित रहा है और इससे बहुत आनंद आया। और पूरे परिवार का प्रेम देख के और हमारे परिवार में इतने अच्छे कलाकार है ये देख के बहुत खुश हुआ। बेटी हमारी बहन हमारी बहू उन्होंने मिल के बिग बॉस का काम के एक सबको एक जगह बांध के रखने के लिए चालू किया था। चार पाँच दिन में मैंने भी वो सब वीडियो देखे हैं और मुझे आज ये बात का बड़ा गर्व होता है कि सबकी छुपी हुई कलाएं, सबकी छुपी हुई अंदर की जो उसकी भावनाएं थी वो उभर के सामने आई है। चाहे खाना बनाने हो, चाहे स्वीट डिश बनाने हो, चाहे योगा करना हो, चाहे कोई गाने पे डांस करना हो या कोई प्रश्न का उत्तर देना हो, हर एक ने अपने हिसाब से उसको तरीके से किया है। आज वीडियो देखने के बाद में मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे घर में भी इतने एक से एक कलाकार भरे हुए हैं। ये बताता है कि हम लोग सिर्फ बिजनेस में ही आगे नहीं है, हम लोग कला में भी बहुत आगे हैं। इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से ये बिग बॉस का कार्यक्रम साल में एक बार दो बार होते रहे और हम लोग सब आपस में जुड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हो वीरा माँ की, जय हो माता जी की। तो ये था सारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ और इसके साथ हमें विश्वास है कि हमारे सारे काम अच्छे होंगे। बिग बॉस के इस खेल में हमने हर टीम से एक सदस्य का चुनाव करवाया था जिसको सीक्रेट टास्क करना था। अभी देखते हैं ये सीक्रेट टास्क के जरिए वो किस रूप में दावेदार ठहरता है।